में बढ़ा दी है, तनख्वाह वही है उसकी। अब वो घर के अंदर आ रहा है तो टेंशन अलग। सबसे पहले मर्द मर रहा है, जिसकी भी घर की बैल बजाओ दादा मर गए, दादी हैं। अबे क्यों मर गए दादा, दादी क्यों नहीं मर रही? क्योंकि दादी तो खाना पकाते हैं, आधा गोश्त तो खुद खा जाती है दादी। दादी उधर उतर के मलाई पूरी तो उस पर लगाई, चीनी डाली, हुड़ बम समझ रहे हैं दादी सिर्फ पका ही रही है। दादी तो आधे में लिमटा रही है, हर मूवी के अंदर दादी बैठी है। दादा मरे हुए 10 साल हो गए, सारी पोतियों को लिमटा के फिर दादी जा रही है, लंगड़ा लंगड़ा के स्टेज पे चढ़ रही। नाना पहले मर रहे हैं, नानी मरी नहीं। जिसके घर की बैल बजाओ, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ, इस पर आप रिसर्च शुरू कर दें आज से। मोहल्ले के अंदर बैल बजाएं, वो बाहर आए बोलना भाई दादा है, बोलेगा 10 साल हो गए मरे, दादी बो रही। तो ये औरत जो है ना, इसकी बड़ी फितरत है, इससे बचो, ये टेढ़ी पतली से बनी है। इसके पीछे अगर चलोगे तो सबसे पहले इंतकाल तुम्हारा ही होगा, भले तुम जितने भी वेल सेट हो। तुमने अगर औरत का दामन पकड़ लिया, पठान क्यों नहीं मरता? वो औरत को पीछे चलाता है, खुद आगे चलता है पगड़ बांध के। 90 साल के इतने बड़े बड़े कान पे वाले मर ही नहीं रहा। मैंने तो पठान का जनाजा ही नहीं देखा अभी तक। 105 साल, 102 साल, 90 साल, दांत भी वही, चश्मा भी नहीं लगा हुआ, हाथ भी मजबूत, औरतें उनकी बाहर। हमारे उर्दू स्पीक सबसे पहले मर रहे हैं, हर चीज़ पूछ रहे हैं। प्लम्बर आ गया, 1 मिनट रुको, कहाँ से लूँ पाइप? अबे हर चीज़ औरत से कसाई आ गया, 1 मिनट, बचिया यानी वहाँ गिरेगी, 1 मिनट, कहाँ गिराऊँ बचिया? वहाँ गिरवा लें, बोटियाँ बन रही हैं, 1 मिनट, साहब कैसी बनाऊँ? बोटियाँ कौन सी बनाऊँ, ये वाली, ये वाली, ये वाली, भाई वो ये वाली। वो हद कर दी यार, एंड कर दिया आप लोगों ने, कि एक एक चीज़। अबे बीवी अम्मी आपकी, पहले तो मुझे इसका जवाब दो, माँ से शादी करिए, बीवी से करिए, हर चीज़। वो जो चीज़ उसको मिलेगी वो ससुराल की अच्छी है। दर्जी कहाँ पर अच्छा है? अम्मी के घर के पास। पापे कहाँ के अच्छे हैं? अम्मी के घर के पास। गोश्त कौन देता है साहब? अम्मी के घर के पास। फिर एक दिन वो अम्मी के पास ही ले जाती है, वहीं किराए पे रह रहा होता है वो वहीं किराए पे रह रहा होता है। पूरा मिशन होता है, 15 साल में वो इतना स्लो पॉइजन दे के माइंड सेट करती है कि 10 साल बाद वो अपने भाइयों को छोड़ के ससुराल के करीब कहीं किराए पे पड़ा हुआ होता है वो, क्योंकि हर चीज़ वहीं की। डॉक्टर को दिखाना है, वहीं का अच्छा है, यहाँ तो बेकार डॉक्टर है।